राजस्थान की मुख्यमंत्री के पीएम मोदी पर दिए बयान पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अब सच बोलना गुनाह हो गया है। अशोक गहलोत ने सच कहा है कि पीएम मोदी के विदेश जाने से राष्ट्र गौरवान्वित होता है। सचिन पायलट को देश के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। राम सेतु फिल्म देखने पर कांग्रेस के बयान पर मिश्रा ने कहा, जब जब राम की बात आएगी कांग्रेस सवाल उठाएगी ही। उन्होंने कहा, कांग्रेस की केंद्र में सरकार के दौरान राम सेतु पर सवाल उठाए गए, राम को काल्पनिक बताया गया और केंद्रीय मंत्री रहते कमलनाथ चुप बैठे रहे। कमलनाथ को देश से माफी मांगनी चाहिए। अशोक गहलोत के पीएम मोदी को लेकर दिए बयान पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, गहलोत सच बोल रहे हैं, सारा विश्व बोल रहा है, मोदी वैश्विक नेता हैं। उन्होंने कहा, जब देश हित की बात आए तो सचिन पायलट को संकुचित सोच नहीं रखनी चाहिए। सब जानते हैं गहलोत और सचिन के बीच विवाद है, इसलिए उन्होंने गुलाम नबी आजाद का नाम लिया, लेकिन देश के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एक परिवार के लिए बैठक करती है, एक परिवार के महिमा मंडल के लिए पूरी कांग्रेस सक्रिय दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस समस्याओं पर यात्रा नहीं निकालती, इनकी रुचि मध्य प्रदेश की समस्याओं पर नहीं है, सिर्फ एक परिवार पर है। अब अशोक गहलोत जी ने सच बोल दिया कि मोदी जी के विदेश जाने पर राष्ट्र गौरवान्वित होता है, सारा विश्व बोल रहा है ये तो कि वैश्विक नेता है। अब ये कांग्रेस का जो संकुचित सचिन जी का सोच है, मैं समझता हूँ कि उन्हें जब देश हित की बात आए तब इस संकुचित सोच को नहीं चलना चाहिए। ये सर्वविदित हो गया है, गहलोत जी और सचिन का विवाद है और इसलिए उन्होंने गुलाम नबी से जोड़ा है उसे। अब इनका विवाद है, उसमें हमेशा देश के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। भाई हम भी कहते हैं कि वो एक परिवार के लिए बैठक करते हैं, वो जितनी यात्राएं निकाल रहे हैं एक परिवार के लिए निकाल रहे हैं, एक व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए पूरी कांग्रेस सक्रिय दिखाई दे रही है। भाई और भी समस्याएं हैं मध्य प्रदेश में, एक आध बार यात्रा किसी समस्या पर ही निकाल लो, पानी पर निकाल लो, बिजली पर निकाल लो, किसी पर तो निकाल लो, पर उनकी रुचि सिर्फ एक परिवार में रहती है, मध्य प्रदेश के नागरिकों में कभी नहीं रही, वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को कांग्रेस के लोग वोटर मानते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस ने राम सेतु फिल्म देखने पर सवाल उठाया है। राम सेतु फिल्म में कांग्रेस ने केंद्र में सरकार में रहते सवाल उठाए थे, उस समय केंद्रीय मंत्री कमलनाथ थे, लेकिन दुख की बात है कि जब राम और राम सेतु को काल्पनिक बताया गया, आधारहीन होने का हलफनामा दिया गया, तो मंत्रिमंडल में बैठे कमलनाथ खामोश बैठे रहे। पीड़ा इसी बात की है कि जब जब राम की बात आएगी कांग्रेस सवाल उठाएगी। मिश्रा ने कहा, कमलनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए कि उस वक्त मंत्रिमंडल में रहते हुए भी वे चुप बैठे रहे। कमलनाथ को खुद फिल्म देखनी चाहिए, चाहे वैज्ञानिक वास्तविकता या धार्मिक आधार पर देखनी हो। उन्होंने कहा, कमलनाथ हनुमान के भक्त हैं, फिर क्यों राम पर सवाल उठाने पर खामोश रहे। कांग्रेस ने फिल्म देखने पर सवाल उठाया है, उसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूंगा कि राम सेतु फिल्म जो है, जब कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में थी और जिसने राम सेतु पे सवाल उठाए थे, वो सवाल में केंद्रीय मंत्री उस समय कमलनाथ जी थे, लेकिन दुख की बात है कि जब राम सेतु को काल्पनिक कहा गया, आधारहीन बताने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, तो मंत्रिमंडल के सदस्य कमलनाथ जी खामोश बैठे रहे। पीड़ा इसी बात की है, जब जब राम की बात आती है कांग्रेस सवाल उठाती ही है। कमलनाथ जी के व्यापारिक मित्रों के कारण से वो तोड़ने की जो बात हुई थी, ये खामोश इसलिए रहे थे। कमलनाथ जी को मैं तो कह रहा हूँ माफी मांगना चाहिए कि उस वक्त मंत्रिमंडल में रहते हुए भी राम सेतु को काल्पनिक कहा गया। अब वो उनसे भी आग्रह है, खुद तो देख लो एक बार, वैज्ञानिक आधार पर देखो, वास्तविकता के आधार पर देखो, धार्मिक आधार पर देखो, पर देखो जरूर। आप तो हनुमान भक्त तो बहुत बड़े, क्यों सवाल उठा दिए और खामोश रहे, अब खुद देखो उसको। मिश्रा ने उज्जैन की घटना पर कहा, कांग्रेस का बयान बदमाश की तरफ से दिए गए बयान पर है, मैं पुलिस की तरफ से बयान देता हूँ। उन्होंने कहा, टीआई को कोई गोली नहीं लगी है, टीआई की गोली बदमाश को लगी है। बदमाश का नाम अनमोल है, उस पर 10 केस है, उसके भाई पर 16 केस दर्ज है। अनमोल और फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे ख्याल से जो कांग्रेस का बयान उज्जैन की घटना पे आया है, वो बदमाश की तरफ से दिया गया बयान है।
पुलिस का बयान मैं आपको दे रहा हूं कि टीआई को कोई भी गोली नहीं लगी है, टीआई की गोली बदमाश को लगी है। उस बदमाश का नाम अनमोल है, अनमोल उस पर 10 केस हैं, उसके भाई रोशन पर 16 अपराध दर्ज हैं और अनमोल को फैजान को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।